संस्कृत है संस्कृत गंगा धारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल पेपर बीपीएससी का, ठीक है 3.0, या आप कह सकते हैं स्टेट से भी है, टीजीटी पीजीटी सबसे संबंधित है। आइए दूसरा मॉडल पेपर देखते हैं। वैसे तो 100-100 प्रश्न है, हम 50 प्रश्न पढ़ा चुके हैं, दूसरा मॉडल पेपर नहीं कह सकते, पहले मॉडल पेपर का 50 के बाद का प्रश्न है क्योंकि 100-100 प्रश्न बनाए गए हैं। आइए देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, ये बहुत पॉपुलर सवाल है और ये पूछा जा चुका है आपके यहाँ। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, कितनी संख्या है, 10, 14, 15, 4, तो आपको जैसा कि पता ही है कितना है, 14, इसीलिए इसे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। चतुर्दश मतलब 14, ठीक है। और क्या कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, वर्ण सामान्य भी कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार का बोध होता है, माहेश्वर सूत्र में ही आपके जो स्वर हैं अच वगैरह हल सब आ जाते हैं। वर्ण समामना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वर्णों की इसमें गिनती कराई गई है। शिव सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिव के डमरू से निकला हुआ है, ठीक है। और चतुर्दश माहेश्वर सूत्र इसलिए कहा जाता है कि 14 है, इसलिए चतुर्दश नाम पड़ गया। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। तो अच प्रत्याहार अच को ही स्वर भी कहते हैं या स्वर को अच कहते हैं, जान लीजिए। हल को व्यंजन कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। क्यों? क्योंकि अच एक प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सारे स्वर आते हैं। तो कितने स्वर होते हैं, 9 होते हैं, अ ई उ रिल रि ए ओ आई औ। और जब अंतिम वाले जितने भी आपके अंतिम माहेश्वर सूत्र का पहला दूसरा तीसरा चौथा चार आपके सूत्र आते हैं, अंतिम अंतिम हलंत वाले को आप डिलीट करेंगे तो 14 आपको 9 आपको स्वर मिल जाएंगे। अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर आते हैं, कितने स्वर, अच्छा 9 स्वर होता ही है, ठीक है। और यही रीजन है जिसकी वजह से अच कहा जाता है, स्वरों को अच कहा जाता है, स्वर का अपर नाम अच है। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। आगे 53 है कि नहीं, अच्छा इधर होगा। चलिए इसीलिए स्पीड कम हो रही है। चलिए, वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और सरल वर्णों की संज्ञा होती है, तो ध्यान रखिएगा किसके, वर्गों के, वर्गों मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इस तरह से। तो वर्ग हो गया आपका, मान लीजिए क वर्ग है, उसका द्वितीय और चतुर्थ और सरल वर्ण, इनकी संज्ञा क्या होती है। तो अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो देखिए क्या होगी, द्वितीय चतुर्थ और सरल की बात हो रही, तो महाप्राण संज्ञा होगी, क्या होगी, इसकी संख्या कितनी होती है, 14, कितनी होती है। जबकि अल्पप्राण किसे कहते हैं, जो वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और इसके साथ यण प्रत्याहार हो, यण प्रत्याहार होगा तो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण, इसकी संख्या कितनी होती है, 19। घोष अघोष आप पढ़ेंगे किसमें, बाह्य प्रयत्न में, ठीक है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, और आभ्यंतर 5 होते हैं, बाह्य 11 होते हैं, उसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और सरल प्रत्याहार की संज्ञा पूछी जाएगी तो महाप्राण बताना है, और जब प्रथम तृतीय पंचम यण पूछा जाएगा तो अल्प प्राण बताना है। पंचवटी में समास है, अव्ययी भाव, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि इसमें संख्या, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्व में होता है तो द्विगु समास होता है, पर बहुत सारी कंडीशन होती हैं। तो संख्या, क्योंकि जैसे अव्ययी भाव में आपने पढ़ा कि संख्या पूर्व में हो, नदी वाचक होता तो अव्ययी हो जाता है, तो ऐसे कह सकते हैं संख्या तो उसमें भी था, इसलिए कंडीशन सब में होते हैं। फिलहाल नॉर्मली देखा जाए तो संख्या पूर्व में हो फिर संज्ञा होती है, तो जनरली द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचवटी। ऐसे ही त्रिलोकी, त्रिभुवनम, अष्टाध्यायी, इसमें सब संख्या आ रहा है, ठीक है। पंचगवम, ठीक है, ये सब द्विगु के उदाहरण है। अव्ययी भाव के सहरी, निर्मक्षिकम और अधिहरी, उपगंगम, बहुत सारे हैं, यथाशक्ति, साग्नि, सत्रिणम, निर्मक्षिकम, ये सब क्या है, अव्ययी भाव के उदाहरण है। द्वंद के माता पितरों कह लीजिए, या पितरों कह लीजिए, राम लक्ष्मणों कह लीजिए, और शिव केशवो कह लीजिए, इस कृष्णो कह लीजिए, ये सब क्या है, पाणिपादम कह लीजिए, सब द्वंद के उदाहरण है। बहुव्रीहि, चंद्रशेखर, शशि शेखर, शेखर और पीताम्बर, लंबोदर, गजानन, रूपवत भार्य, ये सब किसके हैं, बहुव्रीहि के हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिलहाल पंचवटी का द्विगु समास होगा। निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाला आपको जोड़ा देखना है, बाकी सब शुद्ध हैं। अव्ययी भाव का यथाक्रमम उपगंगम शुद्ध है कि नहीं,
होता है। देखिए वैभव समास में एक चीज और, उपसर्ग जनरली पहले आते हैं, तो यहाँ देखिए यथा क्या है, उपसर्ग ही तो है, उप क्या है, हाँ। और देखिए दीर्घ समास, पंच गंगम द्वियमनम, आपको बताए थे संख्यावाची नदीवाची होगा तो अव्ययीभाव समास होगा, जबकि यहाँ दीर्घ लिखा है तो कट गया। संख्यावाची होता इसके साथ क्या होता, संज्ञा, जैसे पंचवटी होता, त्रिभुवनम होता, पंचपात्रम होता, अष्टाध्यायी होता, तो क्या हो जाता, तो दीर्घ हो जाता। परंतु पंचगंगम नदीवाची बिल्कुल नहीं होता, नदीवाची लग गया व्ययीभाव के अंतर्गत आ जाएगा। तत्पुरुष में ग्राम गतः सुख प्राप्त, बिल्कुल एकदम सही है, पहला ही पढ़ते हैं हम लोग क्या, तीत पतित गतात्यस्त प्राप्त अपन नहीं ही, तो गतः भी आ गया प्राप्त भी आ गया उसमें। फिर द्वंद्व में राम कृष्णव पितरव, ये सब आपका द्वंद्व समाज का उदाहरण, पता है अशुद्ध कौन सा है, हाँ विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी, बी अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। अपुत्र में समास है, अपुत्र में सपास है, तो कौन सा, बेभाव नहीं समास, बहुव्रीही कर्मधार है, तो अब हाँ बहुव्रीही समास है, ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अविद्वानो पुत्रो यशसः, पाणिपादम में समास है, इतरेतर द्वंद्व समाहार द्वंद्व एक शेष द्वंद्व अलुक तत्पुरुष, देखिए सबको पता हो जाएगा कि द्वंद्व समास है, ठीक है। लेकिन कौन सा, तीन प्रकार के द्वंद्व समास बताए गए हैं, चार्थे द्वंद्व, चार के अर्थ में ना, चार अर्थ में होता है, वैसे तीन प्रकार के हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष, तो यहाँ पाणिपादम किस द्वंद्व के अंतर्गत है ये बताना है, किसके अंतर्गत है, समाहार, क्यों, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में और एक पद में हो जाता है, समाहार अर्थ में हो जाता है, इसलिए पाणिच पादुच समाहार द्वंद्व में आएगा, विकल्प भी आपका सही। एक शेष का मतलब होता है जो दोनों मिलकर एक शेष हो जाए, जैसे पितरव है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक शेष द्वंद्व। इतरेतर होता है जो अलग अलग हो, जैसे राम लक्ष्मणव है ना, रामस्य लक्ष्मणस्य, तो विकल्प भी आपका सही होता है। अलुक तत्पुरुष कहते हैं जहां पर विभक्ति का अलुक, हाँ जैसे युधिष्ठिर और हो गया परस्मै पदम, ठीक है, चलिए फिलहाल विकल्प भी सही उत्तर हो गया, आगे चलिए। काव्य दीपिका कस्य कृति ही वर्ते, आपके बिहार में काव्य दीपिका ग्रंथ है और इसके राइटर का नाम जरूर जानना है, ये इसमें क्या कितने किस में विभक्त है, क्या क्या वर्णन है, इन सब चीज़ों को नॉर्मली आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। तो काव्य दीपिका जो यह ग्रंथ है किसकी कृति है, श्रीकांत चंद्र भट्टाचार्य की है, श्री कृष्ण चंद्र भट्टाचार्य की है, श्री चिंतामणि भट्ट की है, उपर्युक्त अकस्माद अधिका है, तो क्या हो जाएगा, श्रीकांत चंद्र भट्टाचार्य की है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। काव्य दीपिका किसका है, तो श्रीकांत चंद्र भट्टाचार्य की है। काव्य दीपिका हम सिखा सकते, काव्य दीपिका में कितनी सिखाएं हैं, 10 8 60 उपर्युक्तेषु अकस्माद अधिका, तो ये कितने हैं, 8। देखिए तो काव्य दीपिका सिखाऊं, पहले तो ये जाने काव्य दीपिका किसमें विभक्त है, शिखा में, जैसे काव्य प्रकाश हमारा उल्लासों में, साहित्य दर्पण परिच्छेदों में, ऐसे ही काव्य दीपिका शिखा में विभाजित है, शिखाओं में, ठीक है। कितनी शिखाएं हैं हमारे काव्य प्रकाश में, 10 उल्लास हैं, और आपके 10 परिच्छेद साहित्य दर्पण में, ऐसे ही इसमें 8 हैं, काव्य दीपिका में कितने शिखा हैं, 8 हैं, तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा, 8 शिखाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्यत इत्यत्र शब्द साम्य पदस्य तात्पर्यम अस्ति, तो अनुप्रास शब्द साम्यम वैसे, आप बताइए यहाँ जो शब्द साम्य पद दिया गया यहाँ, इसका अर्थ बताना है, इसका क्या तात्पर्य है, पद साम्य, स्वर साम्य, वर्ण साम्य, व्यंजन साम्य, क्या हो जाएगा, पक्का पक्का, अच्छा, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नव पलास पलास वनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम, अलंकार है, यमकम वक्रोक्ति श्लेषा अन्योक्ति, तो क्या होगा, तो आपको पता ही होगा, नव पलास पलास वनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम, नव ललतांत ललतांत मलोकयत सुरभिम सुरभिम सुमनोहरी, यह यमक अलंकार का उदाहरण है, किसका, ये बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यह यमक अलंकार का है, ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस बार नौ पलास पलास पूछा गया, अच्छा पराग परागत भी है, हो सकता है नौ पलास बस पूछा जाए, स्फुट पराग पराग बस पूछा जाए, ठीक है, तो हो सकता है कोई भी चरण ले ले, चारों चरण आपको याद होना चाहिए, अच्छा इधर से आना है, अच्छा नीचे ही चल रहा है भाई। अगला प्रश्न है यही है ना, लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वान जन्म नभा में अलंकार है, ठीक है, ठीक है, 62वां पढ़ाना है, लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वान जन्म, ये भी बहुत पॉपुलर उदाहरण है,
और ये उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक के संदेह के पन्नति, ये ध्यान रखिएगा, ये मिर्च कटकम में भी आता है, आपके ग्रंथ में नहीं तो कोई बात नहीं, आपका सिलेबस में नहीं है, पर ये इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, इसको भी ध्यान रखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है लिम्पति तमोंगान वर्षितिवान जन्म नभ, ठीक है। संदेह अपनुति रूपक नहीं है, उपरक्षा अलंकार है, विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, काव्य प्रकाश है प्रोक्ते भेद कई श्लिष्ट है, कस्य अलंकार से लक्षणम। देखिए काव्य प्रकाश के अनुसार है क्या, प्रोक्ते भेद कई श्लिष्ट है, यह किसका उदाहरण, किस अलंकार का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो निदर्शना का है कि दीपक का है, समासोक्ति का है कि दृष्टांत का है, किसका है? समासोक्ति, जिसमें जो संक्षेप में अपनी बातों को कह दे, जिस अर्थों को संक्षेप में कहा जाए, ऐसा होता है। समास में तो होता ही संक्षेप, अरुक्ति मतलब कथन, अगुण संधि करेंगे समासोक्ति बन जाएगा। तो और इसका लक्षण है प्रोक्तैर भेद कई सृष्टि, ये काव्य प्रकाश के अनुसार है अर्थात मम्मट के अनुसार है। तो विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी, बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, समासोक्ति का लक्षण है। उदाहरण भी आपको देखना है, छंद शास्त्र या छंद सूत्र के रचयिता हैं पिंगल पाणिनि यास लगद, तो कौन है? पिंगला। पिंगल किसके रचयिता हैं? छंद शास्त्र के या छंद सूत्र के। तो विकल्प ए आपका सही, पाणिनि किसके हैं? अष्टाध्यायी के, आपके व्याकरणाचार्य हैं, आपको सबको पता है। यास का कौन है? निरुक्ताचार्य हैं, निरुक्त इन्होंने लिखा है। लगदाचार्य कौन है? ज्योतिष हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, इंद्रवज्रा छंद में वर्णों की संख्या होती है, देखिए ध्यान रखिएगा, किस छंद में? इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा में एक चार चरण होते हैं, पहले चरण में कितने अक्षर होते हैं? 11। स्यादिंद्रवज्रा यदि तो जगौगा, तो विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? 32, 44, 40, 48 क्या होगा? 44 क्यों? क्योंकि 11 गुणते 4 क्या होता है, अगर मैं था तो कर लेंगे, 8 गुणते 4 बराबर अनुष्टुप छंद में है। 32 अक्षर किसमें पाए जाते हैं? अनुष्टुप में। 11, 44 उपजाति में भी मिलेगा, उपेंद्र वज्रा में मिलना चाहिए और इंद्र वज्रा में भी 44 मिलना चाहिए। 40 की गिनती होती नहीं, 44 की होती है किसमें? 44 तो बता दिए, 48 किसकी होती है? 48 की बताइए, वंशस्थ। कितने कितने अक्षर होते हैं? 12 गुणते 4 क्या हो जाएगा? 48। आइए मंदाक्रांता में, 17 गुणते 4 बराबर पहाड़ा आता है कि नहीं? 68। हाँ ये हो गया आपका मंदाक्रांता, ये हो गया शिखरड़ी में भी वही होगा, हरड़ी में भी वही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 17 गुणते 4 चलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ तो ये आपके 68 हो जाएंगे, कितने? 68। अब बचा आपका क्या? मालिनी, मालिनी में 15 15 होते हैं, गुणा कर लीजिए, 15 गुणते 4 15 चौका बोले ना 60, तो 60 अक्षर हो जाएंगे किसमें? मालिनी में। 68 हो गए आपके मंदाक्रांता शिखरड़ी हरड़ी में। वंशस्थ में कितने हो गए? 48, ठीक है। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और आपका उपजात में कितना हुआ? 44। अब बचा शृंगधरा, शृंगधरा में कितने होंगे? कैसे कैसे? 21 गुणते 4 बराबर 84। फिर अब बचा क्या? शार्दूल विक्रीड़ी, 19 गुणते 4 बराबर, सब बता दे जितना सिलेबस में है आपके। देखिए शार्दूल विक्रीडित में चार, सब में चार चरण होते हैं, सबके चरण आपको 19, जैसे शार्दूल में 19 है, 4 गुणते 4 करें कितने होते हैं? 76। ले भैया गुस्सा आ रहा है, अब सब चले जाएंगे, फिलहाल हम लिख दिए थे, बता दिए हैं, चलिए आगे चलते हैं। इसमें सही उत्तर लगा लीजिए, क्या होगा? इंद्रवर्जा का 44 विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वसंत तिलकाया लक्षणम किम, चलिए इसको छोड़े थे हम लोग, उगता वसंत तिलका तभजा जगौगा, लक्षण याद होगा तो पकड़ लेंगे भैया लोगों, रसभा नयोगा गलत, भभजाम रगौगा एकदम गलत, मयरास्त तगौगा गलत, तभजा जगौगा। ये देखिए आ गया, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ गुरु गुरु, कितने अक्षर होते? 14 गुणते ये बता रही, 14 गुणते 56 14 गुणते 4 करेंगे ना तो 56 होगा, गुणा सही है ना? हाँ तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, वसंत तिलका में क्या है? उगता वसंत तिलका तभजा जगौगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हर प्रत्येक चरण में 14 14 और सब मिला के 56 हो जाएगा। एंगी पर रूपम इति सूत्र से उचितम उदाहरण अस्ति, एंगी पर रूपम सूत्र का आपको उचित उदाहरण बताना है, उचित उदाहरण।
उपोषति श्रावका प्राणम प्राक्षति। तो एंगी पर रूपम का क्या उदाहरण है? पहले बताइए एंगी पर रूपम कौन सा सूत्र कर, वो कौन सी संधि करता है? संज्ञा पूछे तो क्या करता है बताइए? पर रूप संज्ञा करता है कि पूर्व रूप संज्ञा करता है? हाँ पर रूप। हे भैया ये पर रूप लगा है। एंगा पदांता दति पूर्व रूप, एंगा पदांता दति ठीक है। एंगी पर रूपम तो सीधे बताता है ठीक है। एंग तो प्रत्याहार है तो उपोषत इसका उदाहरण क्या होगा? पोषते और प्रेजते भी होता है ना। प्राक्षत किसका है? उपसर्गा रीति धातु का पक्का ठीक है। श्राव का अयादि संधि दिख रहा है पक्का ना, आओ दिख रहा तो अयादि संधि होगा। प्रारंभ वृद्धि संधि हुई है। प्रवत्सर कंबल बहुत बड़ा सा है, वार्तिक है, वृद्धि संधि हुई है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। उपोषित या प्रेजते पर रूप में बहुत पूछता है। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। गुण संज्ञा विधायक सूत्र आपको बताना, आद गुण और गुण अतो गुणे अतेंगुण क्या होगा? गुण संज्ञा विधायक सूत्र बताना है पक्का। आदगुणा क्या करता है? हाँ तो जब संधि सूत्र पूछेगा तो आदगुणा, संज्ञा सूत्र पूछेगा तो, या विधि सूत्र पूछता गुण करने वाला विधि सूत्र तो भी आदगुणा होगा। तो विकल्प, हाँ भाई हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, विकल्प डी सही उत्तर है ठीक है। रामस चिनोत, कुछ करना है भाई, रुकना है। रामस चिनोत इत्यस्य संधि स्वरूपम किम। हाँ बताइए, ये तो बहुत आसान है, बहुत पढ़े हैं आप लोग, बताइए। रामस चिनोति इत्यस्य संधि स्वरूपम के, रामस चिनोति मतलब बाप रे, तीनों प्रकार के आ गए हैं बीच में और एक में विसर्ग आया है। अब बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा कार वाला, कौन सा कार रहेगा? तालव्य कि दंती कि मूर्धन्य? हाँ इस तो इशुना इश्चु हो, तो क्या करेगा? तालव्य श कर देगा। रामस चिनोति हरिष्येते सचित, ये सब इस्तो हिष्युना इश्चु अर्थात हल संधि के या व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लाकृति इत्यत्र का संधि आप लोग को भी पता होगा, लाकृति बताइए स्वर संधि के अंतर्गत है। क्या होगा? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। आप लोग भी उत्तर दीजिए भैया लोगों, आप लोग को भी पढ़ना है, परीक्षा देनी है। तो लाकृति में क्या होगा? लिधन आकृति, तो इको यण सूत्र से यण संधि हो जाएगा। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। विद्वान लिखति इत्यत्र संधि उत्तम पदम वर्तते, विद्वान लिखति यह संधि करेंगे तो क्या बनेगा? जब संधि कर देंगे तो क्या बन जाएगा? विद्वान लिखति, विद्वत लिखति, विद्वान लिखति, क्या होगा? विद्वान लिखति, यह शुद्ध रूप है। ये तोरली का उदाहरण है, किसका सूत्र है? तोरली, व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं तोरली ठीक है। विद्वान लिखति का ऐसे ही तल्लय, तल्लय भी इसी का होगा, और महान लाभ ठीक है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुनः रमते इत्यस्य संधि विच्छेदो विच्छेदो अस्ति, तो पुनः रमते इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पुनर्रमते, पुनारमते, पुनरारमते, पुनारमते, तो क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? विच्छेद होगा तो क्या होगा भाई? अब आप लोग फंसा दिए, बताइए क्या होगा? हाँ ठीक है, पुनर्रमते होगा तभी रा का लोप ही होगा रोरी से, सही बात है। फिर दीर्घोड़ आ करेगा, वृद्धि करेगा ना, किसकी? स्वर की, स्वर की तन्ना में आ है तो उसकी दीर्घ तब पुनः बनेगा। पुनः रमते इतने संधि विच्छेदो अस्ति, अच्छा समझ गए समझ गए, परिवर्तन हुआ होगा। नहीं नहीं इसमें तो नहीं हुआ था। चलिए पुनारमते इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति, पुनर्रमते होगा ठीक है, पुनारमते होगा नहीं, पुनारमते नहीं होगा, पुनारमते नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इधर जाएगा ना, 73 प्रश्न, चेक लिख लीजिए चेक, आइए आइए 73 में। हाँ बाढ़ की गद्य शैली है, बाढ़ की गद्य शैली है, गौड़ी है कि लाठी है कि वैदर्भी की पांचाली ठीक है। आपको बताना है कि बाढ़ की गद्य शैली तो आप लोग सभी पता है क्या है,
पांचाली है, सबको पता है बाढ़ की गद्य शैली कैसी है। पांचाली रीति विशेषते, इनको पांचाली रीति की विशेषता बताई जाती है। वैदर्भ भी किसकी है? कालिदास जी की, गौड़ी भभूत की, हाँ ये सब लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन पांचाली बहुत प्रसिद्ध है बाण भट्ट के लिए। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधक तमम करणम इति सूत्र से गतार्थता कस्मिन पदे विद्यते। देखिए रामेण बाणेन हतो बाली में जो साधक तम करणम है वो कौन है? रामेण बाणेन हतः बाली, तो राम क्या है? राम तो करता है। बाण क्या है? बाण करण है, मारने वाले, जो मारे गए वो कौन है? कर्म हो जाएंगे ना, जिससे जो क्रिया है वो हतः है, हतवान कुछ भी क्रिया में हो जाएगा। तो साधक तम पूछा जाएगा तो क्या है? बाढ़ है, क्योंकि बाढ़ से मारा ना राम ने, बाढ़ से रावण को मारा या बाली को मारा, जिसको भी मारा, किससे मारा? बाढ़ से, तो बाढ़ हमारा साधकतम है, इसलिए विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दशरथ से कति पुत्रा आसन, ये भी बताने वाली बात है क्या? एक है, त्रय है, दो चतवारा, चतवारा दशरथ के चार पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है, ये चार पुत्र थे। विकल्प डी सही उत्तर है। लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते, अदर्शनम लोपा तस्य लोपा तुल्यास्य प्रयत्न स्वरणं लहरन्त्यम्। तो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र, संज्ञा करना है तो अदर्शनम लोप, और यदि एकदम से गायब कर देना हो तो तस्य लोप। अदर्शनम लोप में केवल लोप संज्ञा होती है, लेकिन अगर विधायक या विधि कर दिया जाए तो तस्य लोप, एकदम से खत्म करना है तो। हाँ संज्ञा सूत्र में तो अदर्शनम लोप, विधायक सूत्र में हो जाए तस्य लोप। हलंत्यम, आपके हलों की इस संज्ञा करता है। तस्य लोप बता ही चुके, तुल्यास प्रयत्न स्वर्ण, ये सवर्ण संज्ञा करता है, ठीक है। जैसे ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ मिल जाए तो सवर्ण संज्ञा होगा, या क्या और किसी सवर्ण, तुल्यास प्रयत्न स्वर्ण, जिसका अभ्यंतर प्रयत्न उच्चारण स्थान आदि समान हो उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो विकल्प क्या सही होगा इसमें? ए, विकल्प ए सही उत्तर है, क्योंकि संज्ञा सूत्र पूछा है ना कि विधि सूत्र। शिवराज विजयम के दृश्यम काव्यम, शिवराज विजय कैसा काव्य है? तो बताया ही गया पहले से ही, पद चंपु गद्य गद्य काव्य, गद्य है, उपन्यासात्मक है, ऐतिहासिक काव्य है, ठीक है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, गद्यम। वकारस से उच्चारण स्थानम वर्तते, वकारस से दंतोष्ठम आपको पता ही है, वकारस से दंतोष्ठम, तो कंठ तालु होगा क्या? नहीं, कंठोष्ठम नहीं, दंतोष्ठम सी हो जाएगा। दंत और ओठ से व का उच्चारण होता है, एक वही ऐसा है जिसका दंत और ओष्ठ से होता है, बाकी सब में कई कई हैं, कोई पूरा वर्ग आ रहा है, कहीं दो शब्द आ रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं आता। कंठ तालु की बात करें तो क्या हो जाएगा? ए दैतो हो कंठ तालु, मतलब ए आई की कंठ तालु। कंठोष्टम ओ दैतो हो कंठोष्टम, ओ और औ की कंठोष्ठ है। मूर्धा किसका है? ऋतु रषाढ़ा मूर्धा, री और टवर्ग और श आपका वो स मूर्धन स कहेंगे तो ये वाला स, इसकी मूर्धा संज्ञा होती है, ठीक, वो उच्चारण स्थान होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कतिविधा, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के, द्विविधा, सप्तविधा, त्रिविधा, पंचविधा, कितने प्रकार? पंचविधा। पांच प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं और बाह्य प्रयत्न आपके 11 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रयत्न पूछेगा तो दो प्रकार का, प्रयत्न पूछेगा या यत्न पूछेगा तो आपको द्विविधा दो प्रकार, फिर आभ्यंतर बाह्य दो प्रकार के हो गए, फिर जब बाह्य आभ्यंतर पूछेगा तब आपको पांच बताना है, जब बाह्य पूछेगा तो आपको 11 बताना है। तो आप जान लीजिए पांच प्रकार कौन कौन से हैं, स्पृष्ट, ईषत, स्पृष्ट विवृत, ईषत विवृत और समृत, ये पांच आभ्यंतर प्रयत्न है, ठीक है। तो आइए स्वराह कति, स्वर कितने होते हैं? इसके पहले ही बताया गया पंच अष्टौ एकादश नौ, तो स्वर तो आपको बताया गया कितने हैं? नौ हैं, आ ई ऊ री ऋ ए ओ ऐ औ, जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत नौ स्वर आपके गिने जाते हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, स्वर भी कह सकते हैं, आच भी कह सकते हैं, आच इसलिए कहते हैं क्योंकि आच प्रत्याहार के अंतर सारे आ जाते हैं। महाकाव्यम कृदृश्यम, महाकाव्यम कृदृश्यम, महाकाव्य कैसा होता है? सर्गबंधम, वृत्तबंधम, पद्यबंधम, रीतिबंधम, तो महाकाव्य सर्गबंधम, सर्गबंधो महाकाव्यम, तैत्रेको नायक सुर, इसमें धीरोदात्त नायक होता है, ठीक है, और क्या होता है इसमें? श्रृंगार, श्रृंगार वीर और शांत रसों में से एक रस होता है, ठीक है। तो यहाँ सर्गबंधम दिया है तो इसको जानिए, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, लाइन पढ़े रहेंगे तो आप कर लेंगे। महाकाव्य अंगिरस स्थिते, श्रृंगार वीर शांत, तबको बताया गया ना महाकाव्य में तीनों रस पाए जाते हैं, तीनों में से कोई एक रस पाया जाता है, तो शांत रस वाला कौन सा है महाकाव्य आपका? अरे आपका यही है भैया, महाभारत ही है, श्रृंगार है, वीर है, वीर में तो बहुत सारे हैं, रघुवंशम आपका वीर ही है ना,
तो क्या पूछा, वहां का अंगीर रसत इसलिए क्या हो जाए ऊपर तेज से कसमाद दिखे, क्योंकि तीनों में होते हैं है ना, इसलिए श्रृंगार शांत वीर में से कोई एक पाया जाता है, तीनों महाकाव्य में पाए जाते हैं, तो इसमें से विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कंफर्म। अधोलिखितेश बृहत्तयाम परिगण्यते, अधोलिखितेश इन बृहत्तरी के अंतर्गत परिगणित किए जाते हैं, कौन सा, रामायण, रघुवंश, शिशुपाल, महाभारत। तो ये क्या है, शिशुपाल वधम, ये बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। किरात शिशुपाल नैषधि चरितम, 18, 20, 22, 18 सर्ग है किरातार्जुनीयम में, 20 सर्ग है शिशुपाल वधम में, और 22 सर्ग है नैषधि चरितम में, और ये बृहत्तरी के अंतर्गत तीनों ग्रंथ आते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कौन परिगणित है, तो शिशुपाल वध परिगणित है। रामायण आपका आदि काव्य है, क्या है, आज सबसे पहले लिखा गया काव्य कौन सा है, रामायण, इसीलिए वाल्मीकि जी को आदि आदि कवि कहा जाता है, क्योंकि पहले उन्होंने रामायण को ही लिखा और वही आदि कवि है हमारे। फिर क्या बचा, रघुवंशम महाभारत, महाभारत भी आपका क्या है, महाकाव्य है, उसके बाद गणना होती है रामायण के बाद महाभारत की ही। रघुवंशम, रघुवंशम लघुत्रय के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, लघुत्रय में कौन कौन तीन ग्रंथ आते हैं, हाँ, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम, ये तीनों लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प सी आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं, अलका का, दसपुर का, उज्जैनी का, विदिशा का। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व मेघ में कालिदास उज्जैनी नगरी का बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं, और मेघ को कहते हैं कि उत्तर दिशा में है, थोड़ा टेढ़ा जरूर पड़ेगा पर जाना जरूर, इसलिए वो इसकी विशेषता बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए माना जाता है कि उज्जैनी के ही लगता है पैदा हुए थे, उज्जैनी में ही। तो जैनी नगरी का वर्णन किए हैं किसमें, मेघदूतम में, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है तो विदिशा का भी, अलका का भी, लेकिन उज्जैनी का बहुत अच्छे से वर्णन किए, दसपुर का भी ना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इधर जाना है, अच्छा इधर बड़ी समस्या है भाई, इधर जाना है, इधर यही है रघु, अच्छा ये तो हो गया ना, अच्छा ये यक्ष सांप की एक वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है। ठीक है, यक्ष जो है मेघदूतम में, जो यक्ष है, यक्ष यक्षिणी का श्राप में अलगाव हो गया है, बिछड़ गए हैं, तो जो यक्ष था कुबेर ने जब श्राप दिया था तो कहाँ आके रहता है बता, देवगिरी पर्वत में, रामगिरी पर्वत में, उज्जैनी में कि अलकापुरी में, हाँ रामगिरी, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्तः सापे नाष्टमित महिमा यह वर्ष भोरगेण वस्तु भरतु, यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु स्निग्धक छाया तरस वस्तु रामगिरिया समेशु। तो कहाँ आ गए, रामगिरी पर्वत में। ठीक है, अलकापुरी में रहेंगे नहीं, क्योंकि श्राप मिला था, अलग रहना था, अलकापुरी में तो उनका घर ही था, पहुँच जाते रोज, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर, देवगिरी में नहीं थे, उज्जैनी में भी नहीं थे, अलकापुरी में नहीं थे, विकल्प बी में थे, रामगिरी पर्वत पे आकर रहते हैं। आइए, रघुवंश महाकाव्य रचनाम कह अक्रोत, रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की है, भारवि ने, व्यास ने, कालिदास ने, माघ ने। तो रघुवंश महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है। ठीक है, 19 सर्गों वाला है, कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं, 31 राजाओं का वर्णन है इसमें। ठीक है, भारव के ग्रंथ का क्या नाम है, किरातार्जुनीयम, एकमात्र महाकाव्य 18 सर्गों वाला किरातार्जुनीयम जो माघ ने लिखा है, ओ क्षम्यताम भारवि ने लिखा है। व्यास ने क्या लिखा है, वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, 1,00,000 वाला ग्रंथ। और माघ ने क्या लिखा है, एक ग्रंथ महाकाव्य 20 सर्गों वाला शिशुपाल वध। ठीक है, तो हो गया क्या, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या, रघुवंश महाकाव्य किसने लिखा, 19 सर्गों वाला कालिदास ने। रघुवंश में किसकी गौ सेवा वर्णित है, रघुवंश में किसकी गौ सेवा वर्णित है, दिलीप की और किसकी, रघु की, दशरथ की, अच की, रघुवंशम के सब राजाए हैं। तो कौन राजा गौ की सेवा किया था, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दिलीप ने, और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, राजा दिलीप ने किया था, रघु ने तो नहीं किया था, लेकिन सब राजा कहाँ के हैं, रघुवंशम के हैं, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। श्रुतेरिवार्थम श्रुति रन्नोगच्छत इत्यस्ति रामायणे महाभारते रघुवंशे वेड़ी सन्नारे, ये जो सुक्ति है कहाँ की है बताइए, श्रुतियाँ किसके पीछे चलती हैं, स्मृतियों के, अच्छा मेताम, हाँ विकल्प सी सही उत्तर है। देखिए ऐसे ही होता है, कैसे गोला लग जाता है, प्रत्यक्ष दिख गया, आते हुए भी गलत कैसे होता है, फिर आते हैं तो इंसान कहता है हम तो ये लगाए तो ये कैसे हो गया, तो इसको तो हम जानते थे। ठीक है, इसीलिए ऐसी गलती होता है भैया लोगों। श्रुते रिवार्थम स्मृति रनुगछत, ये सुक्ति कहाँ की है, रघुवंशम की है, द्वितीय सर की है ना, देखिए द्वितीय सर की है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं बता दिए थे, हाँ 17 किसमें, कुमार संभव में,
18 किसमें? किरात में, 19 रघुवंश में, 20 शिशुपाल में, ठीक है? तो विकल्प आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। कितना? 18 सर्ग हैं किरातार्जुन में, ठीक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आतपत्र किस बाण की, किस कवि की उपाधि है? बाण कह रहे हैं। आतपत्र माख की उपाधि है कि भारव की, श्रीहर्ष की, कालिदास की? आतपत्र किसे कहा जाता है? भारवे रथ गौरव तो कहा ही गया, आतपत्र भारव ही कहा गया, दामोदर भी इनकी उपाधि है, ठीक है? तो भारव के है, किसकी है? घंटा माघ, घंटा किसकी उपाधि है? माघ की, घंटा माघ इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाघे संति त्रयोगुण, अर्थात उपमा कालिदास, उपमा कालिदास की है। भारवे रथ गौरव, अर्थ गौरव भारव क्या है? और दंडिना पदलालित्यम, पदलालित दंडी का है, और माघे संति त्रयोगुणा, माघ में तीनों गुण समाहित हैं, ठीक है? और नैषधे पदलालित्यम, नैषध मतलब श्रीहर्ष को आप कह सकते हैं पदलालित्य में, उनको भी उपाधि है। तो कालिदास को और क्या, दीप शिखा कहते हैं, उपमा सम्राट कहते हैं, रघुकार कहते हैं, ठीक है, बहुत कुछ कहते हैं। तो विकल्प आपका कौन सही होगा? विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ना ही प्रेम प्रवक्त मिच्छन्ति मिश्राहित है शिरा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये तो आपको शायद पता ही होगा, ना ही कहते हैं कि ना ही प्रियम प्रवक्त मिच्छन्ति मिश्राहित, जो हितैषी लोग होते हैं उनसे प्रिय झूठ नहीं बोला जाता है, बात सही बोले भले कड़वी हो, है ना? ऐसा नेचर कहता है किससे? युधिष्ठिर से, दुर्योधन से। कहाँ आके कहता है? द्वैतवन में, हस्तिनापुर में। हाँ, किस सर्ग में, किस ग्रंथ में? हाँ भैया लोगों ध्यान रखिएगा, अछंद कौन सा है, किस छंद में कहता है? वंशस्थ छंद में, किरातार्जुनीयम में कहता है वनेचर युधिष्ठिर से। दुर्योधन की सारी गति जानने गया था, गुप्तचर बन के वेश वड़लिंगी वनेचरा, अपने का वेशभूषा सब धारण किया था वड़लिंगी वाला, अब पता करके आता है तो कहता है मैं झूठ के बोली, अगर झूठ झूठ बोलूँगा तो अपने मालिक को प्रसन्न तो करूँगा पर उसके साथ गलत होगा ना, इसीलिए कहता है कि आप मेरे हितैषी हैं, अब मैं आपसे मिथ्या वचन, प्रिय और मिथ्या वचन नहीं कहूँगा, अप्रिय सत्य वचन कहूँगा। भाई जो जो सच है वही बताएगा, सब बताता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप, राम शब्द का रूप याद होगा तो बता लेंगे, रामस षष्ठी एक वचन, रामयो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, रामाराम षष्ठी बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। नहीं नहीं, रामाराम क्या पूछा है? षष्ठी बहुवचन ना, रामस्य रामयो रामाराम षष्ठी एक वचन रामस, देखिए षष्ठी द्विवचन रामयो षष्ठी बहुवचन रामाराम, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप बताना है, राजन शब्द है, राज बनेगा रागी बनेगा, राजन बनेगा रागी, और राज देखो दोनों बनेगा, क्या बनेगा? रागी एवं राजन दोनों बनता है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। आइए भैया पैराग्राफ आ गया, नहीं अभी नहीं। नदी ही किस विभक्ति का रूप है बताना है, द्वितीय बहुवचन प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन द्वितीय एक वचन, नदीम नदी ही नदीम, नदी नदीम नद्या नद्य नद्या नद्या नद्याम एक वचन है ये, फिर नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो द्विवचन है। अच्छा ऐसे नहीं याद किए लगता है, नद्य नदी ही नदी भी नदीभ्य नदीभ्य नदी नाम नदीश, यह बहुवचन है। तो द्वितीय बहुवचन में नदी ही बनता है, क्या बनता है? अच्छा नदी पूछा है द्वितीय बहुवचन, ठीक है ये सही हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। युष्मत शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप बताइए, युष्मत का तुम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वई, ठीक एक वचन की बात हो रही है, षष्ठी एक वचन पूछा गया है, तो तव तव का वैकल्पिक रूप ते भी तो है, ते अगर होगा तो भी सही होगा, ठीक है। युष्मत त्वत इस्माकम, इस्माकम कहाँ बनेगा? षष्ठी बहुवचन में, इस्मत पंचमी बहुवचन में, त्वत पंचमी एक वचन में होना चाहिए। चलें अगले प्रश्न की ओर। अधो लिख रहे हैं, देखिए गद्यांश आ गया, इससे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नों के उत्तर को चुनेंगे। संस्कृत भाषाया व्याकरण शास्त्र पाणिनि महान व्याकरण अभवत, वैयाकरण अभवत, मतलब संस्कृत भाषा के व्याकरण शास्त्र में पाणिनि एक महान वैयाकरण हुए। अस्य पितुर नाम पर्णिनः, इनके पिता का नाम पर्णिनः, मातुश्च नाम और माता का नाम दाक्षी आसीत था, तस्मात एव दाक्षी पुत्र पाणिनि ही कथ्यते, इसी कारण से दाक्षी पुत्र पाणिनि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पाणिनि नाम था किसका? पिताजी का। दाक्षी किसका नाम था? माताजी का। तो दाक्षी पुत्र होने के कारण इनका क्या नाम हुआ? पाणिनि, पाणिनि के।
छंद शास्त्र रचयिता पिंगल पाणिनि अनुज आसीत। जो छंद शास्त्र रचयिता पिंगल है पाणिनि के जो पाणिनि है इनके अनुज है, छोटे भाई है। कहा गया अतः छंद शास्त्र पिंगल शास्त्र इत्युच्यते, इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा गया क्योंकि छंद शास्त्र को लिखने वाले पिंगल थे, इसलिए पिंगल शास्त्र भी छंद शास्त्र को कहा जाता है। पाणिनि ही ख्रिष्टाब्दात पंचवशत वर्ष पूर्व अजायत, अर्थात 500 ईसा पूर्व ना, तस्य जन्म सलातुर ग्राम में अभवत, इनका जन्म सलातुर ग्राम में हुआ था। तस्मात अयम सलातुरीय अपिच, इसीलिए इनको सलातुरी भी कहा जाता है। सलातुर ग्राम सेव नाम संप्रति लाहौर इति जात, इस समय सलातुर ग्राम को ही लाहौर जाना जाता है, पाकिस्तान में चला गया। चलिए आइए प्रश्न देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, कस्मिन ग्रामे पाणिनि अजायत, किस ग्राम में पाणिनि हुए थे। तो ये देखिए आपका सीधे है संस्कृत भाषा, कहाँ है, नीचे चला गया क्या, अच्छा ये है अयम सलातुरीय, अच्छा ये है सलातुर ग्रामे अभवत है ना, कहाँ हुए थे। तो चलिए अब आगे देखिए, ये विकल्प है सही हो जाएगा, नहीं सलापुर लिखा सलातुरह, ये नहीं होगा, ये काटो ये काटो, सलातुरह ठीक है। कस्मिन ग्रामे पाणिनि अजायत, किस ग्राम में पाणिनि का जन्म हुआ था, तो सलातुर ग्राम में, किस ग्राम में ध्यान रखिएगा। अगला चलिए, पाणिनेर मातुः नाम किम, तो ये बताया गया है मातुश्च नाम दाक्षी, तो क्या हो जाएगा साक्षी गोड़िका दाक्षायणी, क्या होगा दाक्षी, विकल्प सी सही उत्तर होगा। पाणिनेर का जन्म कदा अभवत, 500 ईसा पूर्व ना, हम लोग पढ़े हैं अभी, तो क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा पाणिनि ही कस्य शास्त्रस्य ज्ञाता आसीत, किस शास्त्र के ज्ञाता थे पाणिनि, सभी लोग जानते हैं व्याकरण शास्त्र के, किसके, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। छंद शास्त्र से रचयिता कह आसीत, छंद शास्त्र के रचयिता कौन थे, ये छोटे भाई किसके थे, जाने जाते हैं कि पिंगल जो है पाणिनि के अनुज थे यानी छोटे भाई थे, पिंगल ही छंद शास्त्र की रचना की है, इसीलिए इनको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, और छंद शास्त्र रचयिता पूछा ही जा रहा है, पिंगल हो गए ठीक है। 100 प्रश्न आपके यहाँ कंप्लीट हुए, तो ये बिहार का मॉडल पेपर कराया जा रहा है जो कि आपके यस्टेट में भी काम देगा, टीजीटी में भी पीजीटी में भी, तो जो भी भाई बंधु डाले हो आराम से पढ़िए लिखिए देखिए। देखिए हम लोगों से जब गलत हो सकता है टिक करना, सलातुर लिखा है कि सलातुर लिखा है ये भी ध्यान देना है, तो बहुत अच्छे से देख के सोच समझ के प्रश्नों का उत्तर दीजिए भैया लोगों। बस आज इतना ही, नमस्ते संस्कृताय।